फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ आर्ट अमोरी के बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आप इसे गूगल सर्च करते तो इस टाइप का पेज आपको ओपन होता है। इसका होम पेज कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। आप इसको इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं और इनका फेसबुक पे भी अपना एक खुद का पेज है। फिलहाल मैं आपसे बात करने वाली हूँ अपना परचेस प्रोडक्ट जो कि मैंने आर्ट अमोरी से परचेस किया है, जिसकी अनबॉक्सिंग फिलहाल आपको वीडियो में दिख रही है। फिलहाल मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये मेरा सेकेंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि मैंने रेडियम वॉल क्लॉक की अनबॉक्सिंग आपको दिखाई है। इस वॉल क्लॉक को मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है और इसके साथ मेरे को एक कूपन मिलता है जो कि आर्ट अमोरी का कूपन है, क्योंकि ये वॉच भी आर्ट अमोरी की है। तो मैं उस कूपन का फ़िलहाल आपको बता देती हूँ कि वो कूपन दिखता किस तरीके का है। जैसे कि आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा, इस तरीके का कूपन मैंने आपको दिखाया था। तो इस कूपन में मेरे को 200 ऑफ मिला था, तो फिलहाल मैंने उसी 200 का यूज़ करके आर्ट अमोरी से इस पेंटिंग को परचेस किया है, जैसे कि आपको दिख रहा है। पैकिंग की बात करें तो आपको दिख ही रहा होगा, एक आर्ट अमोरी का पैकेट रहता है, उसमें पैक होकर एक सिंपल सी पॉलीथिन में आपको पैकिंग इसकी मिल जाती है। प्राइसिंग की बात करें तो ये 499 का है, जहाँ पे 200 का कूपन का यूज़ करके वो 200 कम हो गया था, उसके बाद जो प्राइस है मैंने उतना पे किया है बस। और इस तरीके से मैं पेंटिंग अगर आप मंगाते हैं तो आपको इस तरीके से पैक होके आपको वहाँ से आर्ट अमोरी से मिलेगी। चलिए फिलहाल, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ओके फ्रेंड, चलिए फिलहाल अब मैं आपको वीडियो के बारे में बताती हूँ। तो ये रहा आर्ट अमोरी का पेंटिंग, जिसमें कि आपको एक स्टिकर मिलता है कि आपको पेंटिंग को वॉल में किस तरीके से लगाना है, एक आइडिया। तो ये रही पेंटिंग जो कि आपको देखने को मिल रही हैं। इनकी क्वालिटी की बात करें तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और लुक भी बहुत अच्छा है। बस साइज़ थोड़ा सा छोटा है, मतलब जितना मैंने सोचा था उतना बड़ा तो नहीं आया। आप इसको हॉल वगैरह में नहीं लगा सकते हैं, हॉल में अगर लगाना है तो आपको साइज़ थोड़ा बड़ा चाहिए है। मैंने जस्ट एक्सपीरियंस के लिए अभी सबसे छोटा ही साइज़ परचेस किया था। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो बैक साइड है वो मैं फ़िलहाल आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। बैक साइड में ये टू साइडेड टेप लगा के आपको भेजते हैं, जिससे कि ये बॉल में तरीके से लग जाती है, उसके निकलने का और गिरने का कोई टेंशन भी नहीं रहता है। बस आपको क्या करना है, पेंटिंग को लगाने से पहले अपने बॉल पे थोड़ा सा एक मार्क कर लीजिएगा कि मतलब आपको किस तरीके से लगाना है, क्योंकि जब आप इस पेंटिंग को लगाएंगे तो ये जो पेंटिंग है इसमें थोड़ा सा आपको बीच बीच में स्पेस देना पड़ेगा, तो मार्क करना ज़रूरी है। अगर आप एकदम पास पास में लगाएंगे तो पेंटिंग का उतना लुक मज़ा नहीं देगा आपको और इतना अच्छा भी नहीं लगेगा। तो लगाने से पहले प्लीज़ मार्क करना बिल्कुल मत भूलना अपनी बॉल पे। और चलिए फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि इस तरीके से आपको टू साइडेड टेप निकालना है बस, और उसके बाद बस आपको पेंटिंग को ले जाके और मार्क वाले आपने जहाँ पे भी जैसा भी मार्क करके अपने बॉल में रखा है उसको लगा लेना है। तो ये पेंटिंग जैसे कि मैंने परचेस की है आर्ट अमोरी से, आपको दिख ही रही होंगी, इनका लुक बहुत अच्छा है, बस साइज़ छोटा है। तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर से अपना एक और साइज़ मंगाऊंगी। और ये रहा आपका फाइनल लुक जो कि आपको देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही मस्त लग रहा है। मतलब आपकी जो बॉल है ना उसका लुक ही चेंज हो जाता है, देखने में बहुत प्यारा लगता है और दूर से ही मतलब एकदम शाइन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आर्ट अमोरी में इसके अलावा आपको और चीज़ें मिल जाएंगी। पर्सनलाइज गिफ्ट मिलता है, जिसमें फ़ोटो फ्रेम, कैनवास फ्रेम, फ़ोटो कॉलेज फ्रेम मिलता है, होम डेकोर के लिए कैनवास फ्रेम, की होल्डर, MDF पेंटिंग। इसमें आपको गिफ्ट भी मिल जाते हैं, जैसे कि मग है, कुशन है आपका, प्रिंटेड कुशन, टी कोस्टर, पर्सनलाइज टेबल टॉप, इस टाइप के गिफ्ट अगर आप किसी को देना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, फिलहाल मेरा वीडियो एंड होता है। ओके माय फ्रेंड, बाय बाय एंड टेक केयर।